हम जो चलने लगी है ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगी है ये रास्ते। मिलो चले जाना हम जो चलने लगी है ये रास्ते। तो इन रास्तों के साथ हम भी चल दिए वेकेशन पे। बच्चों का मिड टर्म ब्रेक चल रहा है, फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, तो भाई भाभी बहन के पास ना जाएं, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, और वो भी तब जब हमारी प्यारी जिनी का बर्थडे हो। उसके बर्थडे पर स्पेशल सेलिब्रेशन तो बनता है और उसको ये स्पेशल सरप्राइज देना भी बनता है उसे, क्योंकि ये पता नहीं है कि हम सारे आ रहे हैं। अब आप सोचोगे हम सारे, तुम दो और तुम दोहारे दो बच्चे, तो हम सारे कौन? हम सारे हैं, और भी कोई है जो आ रहा है। बहुत टाइम के बाद अपने घर से जो बाहर निकला है, वो लंबा सफर, लंबा सफर और एक गाना बताओ और कौन आ रहा है? बताओ बताओ कौन आ रहा है? जानू दीदी और बुबू और बनाएगा। राइट, तो आ रही हैं जिया जी और जादू भी वहाँ के लिए निकल चुके हैं। वो लोग थोड़ा पहले निकल गए थे, बट क्योंकि वी आर विद किड्स तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका बहुत सारा स्वागत है हमारे चैनल पर, हमारी छोटी सी प्यारी सी खुशियों से भरी जिंदगी पर, खुशियों से भरी दुनिया में। आई होप वी ऑल होप यू ऑल आर ऑसम फैबुलस फैंटास्टिक and we are also fantastic and we are very happy because we are going for a vacation. और बेस्ट चीज क्या होती है, मुझे जो बेस्ट चीज लगती है सदाशिव जाने की, वो ये कि हमें एक लॉन्ग ड्राइव करने के लिए मिलती है गाड़ी में सारे एक साथ। ऐसे तो कहाँ मौका मिलता है कि घर से चला कर लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, वो भी बच्चों के रहते हैं। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लॉन्ग ड्राइव में खुशी खुशी जाते हैं और बहुत एंजॉय करके आते हैं। राइट बागरेचा जी? पापा? और बागरेचा जी को तो वैसे ही ड्राइव करना बहुत पसंद है, इन्हें कोई कह दे कि ड्राइव करने के लिए जाना है तो बस सारे काम एक तरफ, गाड़ी एक तरफ और ये एक तरफ चल रही। बहुत सीरियस मूड में है, पता नहीं क्या हुआ है। अभी देखो अभी 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 एक हंसी आएगी, आएगी 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 आएगी, आ गई। इसको इस तरह से टीज करने में जो सैडेस एक्शन है, आए हाय नहीं बता सकती कितना मजा आता है। सो अभी हम जा रहे हैं सदाशिव एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय एंड वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट अ लॉट छोटा। और आपने अभी भी देखा बच्चे आराम से बेड पर बैठ के कलरिंग कर रहे हैं। तो ये इन्फ्लेटेबल बेड है जो हमने अमेजोन से बहुत टाइम पहले ऑर्डर किया था, लेकिन वो यूज करने का मौका नहीं मिला। फाइनली आज इसका शुभारंभ हुआ है, सो मुहूर्त निकला है एंड इट इज वेरी कम्फर्टेबल। बच्चे आराम से सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट, अब वो आगे नहीं आएंगे, नहीं तो हमेशा हर ट्रिप पे थोड़ी देर के बाद मम्मा आपकी गोदी में आना है, नहीं आना सोने नहीं देती, आना पे वो नहीं करने देती। बट वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास इन्फ्लेटेबल बेड है जिस पर आज दोनों बच्चे बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये अमेजोन से ले सकते हैं। मैंने जस्ट जूलिया, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये मचकिन कुछ कहना चाह रही है, क्योंकि ये बेड मतलब मम्मा बोल रही थी कि ये है ना सॉफ्ट है ऊपर से और नीचे सॉफ्ट नहीं है, तो मुझे चाहिए। ऑब्वियसली बेड एक तरफ से
लिए सुपर सॉफ्ट होता है जो आपको कंफर्ट देता है, नीचे से थोड़ा हार्ड होता है ताकि वो आपके वेट को आराम से ले सके। तो अब ये छोटे बच्चे कहाँ समझते हैं ये सारी चीजें। खैर चलिए रास्ते का मजा लेते हैं, आज का दिन बहुत सनी है, अच्छा है और बस चलते हैं। हम ट्रैवल करते करते पहुँच गए मिडवे और बीच रास्ते में हम लोग मिल गए, लाइक जियाजी लोग पहले निकल चुके थे, हम बाद में निकले थे लेकिन बीच रास्ते में हम मिल गए क्योंकि वही था कि मिडवे में हम एक साथ हो जाएंगे। और हम अभी ठहरे हैं होटल हवेली रिजॉर्ट में। यहाँ पर ना अंदर में एक शॉपिंग एरिया भी है जिसमें जो राजस्थानी थीम की चीज़ें हैं ना वो मिलती है, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी चीज़ें हैं अलग अलग तरह की, अलग चीज़ें। मैं पूरा घूम के आई वहाँ पे, लेकिन अंदर कोई था नहीं तो पूछ नहीं सकी कि कोई से कोई चीज़ पसंद आई तो अभी तक डिनर लंच ऑर्डर कर दिया है रवि ने और जाती थी, तो लंच वंच कर लेगा उसके बाद पति देव ने परमिशन दी तो अंदर जाके हम पूछ लेंगे और कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। एनीवेज लेट्स सी यहाँ पर फूड कैसा सर्व होता है, डिलीशियस होता है नहीं होता है। बच्चों के मज़े हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ओपन स्पेस मिला है खेलने के लिए, इधर से उधर कूद फांद रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं डिनर लंच का। लंच में हमने ऑर्डर दिया है रवीनी जी ने दाल फ्राई, पनीर लबाबदार, स्टफ्ड कुलचा, नान, तंदूरी रोटी और सुस्वारी है। भागो तुमने ना चीटिंग करके तुम जीते थे, तुम रहने दो तुम चीटिंग करके जीते थे मुझसे। हारने के बाद लोगों के चेहरे कुछ ऐसे हो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि आंसुओं को कैसे छुपाएं, और ये एक इंसान है अपने आंसुओं को झूठी हंसी के पीछे छुपा रहा है। बोलो बोलो अपनी हार पे क्या बोलना चाहोगे तुम सारी दुनिया से। हार गया हाय हाय रवि भागने जा हार गया। मैं गाड़ी में शूट किया था,
गाड़ी में शूट करने के बाद मैं डायरेक्ट अब शूट कर रही हूँ रात को 11:30 बजे। रीजन वाइज गाड़ी में हमारी लगी थी शर्ट, ठीक है। शर्ट क्या लगी, आज था चेन्नई और कलकत्ता का मैच, फाइनल आईपीएल का मैच। ओके, मैंने इससे जनरली पूछा तुमको क्या लगता है कौन जीतेगा, कोलकाता जीतेगी। फाइनल में जितनी बार कोलकाता क्वालिफायर क्लीन करके आती है तब तब कोलकाता जीतती है। मैंने कहा कि चेन्नई की परफॉर्मेंस भी थ्रू आउट द सीजन बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है, तो इस बार तो चेन्नई जीतेगी। नहीं, देख लेना, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ, दो बार ऐसा हुआ है जो कोलकाता ने मैच जीते हैं उसने चेन्नई को हराया है। यही गाना ना, हरा दिया कोलकाता ने चेन्नई को, हरा दिया और चेन्नई जीत गई। और जीती नहीं है, चेन्नई ने कोलकाता को धो दिया है, धोबी पछाड़ मार मार के धोया। ओहो, और शर्त क्या लगी थी शर्त, और हारे हुए इंसान से पूछते जो हारा है वही बताएगा क्या शर्त लगी। दवी जी, क्या शर्त थी, कोई शर्त नहीं। हाँ हाँ, बताओ, कमेंट करो क्या शर्त थी कि तो अगर तुम हारोगे तो मुझे दोगे, बताओ जल्दी। दिवाली की शॉपिंग वर्थ रुपीज, ठीक है। नहीं, बताओ जल्दी, दुनिया जानना चाहती है वर्थ रुपीज। बेचारा बताएं, हमेशा जब भी मुझे कपड़े खरीदने होते हैं ना तो हमेशा क्वेश्चन, क्यों फालतू का खर्चा करना है, ये करना है, वो करना है, क्या जरूरत है। जब ऐसे ही खरीदने होते तब तो तुम खरीद ही लेती हो, ब्ला 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 बहुत बोलता है। मैंने इस बार बोला कि नहीं, इतने तक की शॉपिंग के लिए तुम नो नहीं बोल सकते। एंड शी सेड, इतना कॉन्फिडेंट था कि भाई मैं आज तक कभी कोई शर्त नहीं हारा, मैं कैसे हार सकता हूँ, ऊपर से मेरी कोलकाता अंडर एस्टिमेट कर दिया मुझे और मेरे माही को, मेरे धोनी को, मेरी चेन्नई सुपर किंग्स को। वेरी फर्स्ट सीजन जब से चेन्नई आई है मेरी फेवरेट रही है एंड आई एम द बिगेस्ट सपोर्टर। मतलब ठीक है मैं सारे मैचेस नहीं देखती, लेकिन चेन्नई का जब भी मैच होता है तो मैं वो जरूर देखती हूँ और पूरे मन से देखती हूँ। और इतने पूरे घर में मुझे सपोर्ट करने वाले कितने लोग थे, मैं, जादू, पिंकी दी और ये मेरी मचकिन, और सारे के सारे तीन मूर्ति एक तरफ और मैं के, बाकी सब अपने अपने काम कर रहे थे। यहाँ पे मैच कौन कौन देख रहा था पता है, दोनों जियाजी, रंजीत जियाजी, विवेक जियाजी और रवि, थ्री ऑफ देम आर सपोर्टिंग कोलकाता। मैं अलग से कोने में बैठ के चेन्नई के लिए ये फाइनली ट्रॉफी हमारी हुई, हम जीत गए और ये हार के लोग भाग रहे हैं, अब रोते रोते सो रहे हैं। और ये पापा के हारने पर बेटी भी पापा का साथ दे रही है। ये हैं हारे हुए लोग और ये हैं जीते हुए लोग, बताओ। हारने पर लोगों को नींद आने लगती है और जीतने पर लोगों की नींद उड़ चलती है। और इसी जीत के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज का व्लॉग बहुत छोटा सा है बट बहुत ही अच्छा था। मेरी ये ट्रिप, मतलब रस्ते की ये ट्रिप ऑन द वे इतनी अमेजिंग रही, मैं नहीं बता सकती। हमने बहुत एंजॉय किया, ऑल दो करना कुछ नहीं था, गाड़ी में बैठ के बस आई है, बट स्टिल जो जर्नी होती है, रास्ता होता है, अगर वो अच्छे से बीते तो उसका क्या कहना, राइट। और वो बहुत अच्छा रहा। ये अभी रो रही है क्योंकि अब इसको नींद आ रही है, तो बींग अ मदर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मैं जाऊँ और उसे सुनाऊँ, ठीक है। तो इसी नोट के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। आई होप आपको मजा आया हो, अगर मजा आया तो लाइक करना। चेन्नई की जीत से अगर आप भी उतने ही खुश हो जितने मैं खुश हूँ तो कमेंट में लिख के जरूर बताना। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल इज वेल।